खमंडी सास। एक गांव में प्रावल्लिका नाम की एक विधवा अपने बेटे हेमंत और बहू उमा के साथ रहती थी। प्रावल्लिका अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। हमेशा ये लगता था कि उसकी बहू उमा बेटे को उससे दूर कर रही है, जबकि उमा बहुत ही शांत किस्म की औरत थी। वो हमेशा अपने पति और सास की बात मानती थी। अरे बहू, एक कप चाय बना दे जरा। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। उमा चाय सासू माँ को देती है। ये कैसी चाय बनाई है? तुम्हें अगर नहीं बनानी है तो कह देती, मैं खुद बना लेती। ऐसी घटिया चाय बनाकर लाई है ये बहू। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, क्या मैं चीनी डालना भूल गई? अच्छा, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। हाय, मेरी किस्मत ही फूट गई है जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। चल जा जाकर खाना बना, मेरे सर पे मत खड़ी रह, मेरा बेटा आता ही होगा। हेमंत घर आता है। हाय, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, मेरा सर सुबह से दर्द के मारे फटा जा रहा है। हाय, कुछ दवाई ले लेती। उमा, माँ को सर्द की दवाई दी या नहीं? बेचारी उमा को कुछ पता ही नहीं था, वो चुपचाप खड़ी रही। जाने दे बेटा, अपना काम ही ज्यादा है, अब वो मेरा काम भी क्या ही करेगी। ले माँ, पहले दवाई खा ले। प्रावल्लिका दवाई लेकर चुपके से फेंक देती है। उसे दवाई फेंकते देख हेमंत देख लेता और वो वहां से चला जाता है। हेमंत अपनी माँ को सबक सिखाना चाहता था। अगले दिन सुबह प्रवल्लिका आंगन में बैठी थी तो हेमंत प्रवल्लिका के लिए चाय लेकर जाता है। प्रवल्लिका चाय पीकर बेहोश हो जाती है। हेमंत उसे उठाकर अंदर लेटा देता है। थोड़ी देर बाद प्रवल्लिका को होश आता है, वो पलंग पर लेटी हुई थी। बेटा हेमंत और बहू उमा भी वहीं खड़े हुए थे। प्रवल्लिका के पास एक डॉक्टर खड़े हुए थे। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? डॉक्टर साहब, थोड़ी कमजोरी है, पर मुझे हुआ क्या है? बेटा हेमंत, क्या हुआ है मुझे? माँ जी देखिए, आप ज्यादा मत मत कीजिए। आप पूरे 5 दिन बाद होश में आई हैं। आपके पास कोई भी नहीं आ सकता, वरना उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। आप चुपचाप ये दवाई खाइए और सो जाइए। देखिए, आप लोग माँ जी के पास मत जाइए। अगर कुछ देना है तो दूर से दीजिए, वरना आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद, अरे बहू, एक ग्लास जरा पानी तो पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। लाई माँ जी। जैसे ही उमा पानी लेकर प्रवल्लिका के कमरे में जा रही होती है, हेमंत ने उसे रोक लिया। अरे ये क्या कर रही हो? सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? पानी यहीं रख दो, माँ खुद आकर पी लेंगी। और माँ का बिस्तर, बर्तन, सब कुछ अलग रख देना। मुझे इन्फेक्शन होता है तो होने दीजिए, मैं माँ जी को ऐसा रोता नहीं देख सकती। प्रवल्लिका ये सब सुनकर रो पड़ती है। नहीं उमा, मत जाओ, किसी नर्स या भाई को रख लेंगे। वो हेमंत की नहीं सुनती है और प्रवल्लिका के पास चली जाती है। अरे बेटा, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे भी इन्फेक्शन लग जाएगा, तू यहाँ से चली जा। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ समान हो। अगर आपकी जगह मेरी माँ होती तो क्या उन्हें मैं ऐसे छोड़ देती? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। उमा की ये बातें सुनकर प्रवल्लिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हेमंत आता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं उमा की सच्चाई तुम्हें बताने के लिए ही ये सब नाटक कर रहा था। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। उस दिन से प्रवल्लिका और उमा माँ बेटी की तरह रहने लगे।